ऐतिहासिक कृषि सुधारों के लक्ष्य के साथ पेश किए गए दो विधेयकों पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे को लेकर वूल फेडरेशन के अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कपूर ने कहा कि ये बिल किसानों की दशा और दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और विपक्ष बिना बिल को पढ़े ही इस बिल के बारे में किसानों के बीच गलत प्रचार कर उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस क्रांतिकारी निर्णय से किसानों की जो जीवन की जो दिशा और दशा है, निश्चित तौर पर उस पर परिवर्तन आएगा। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस के मित्र बिना प्रस्ताव का बिना विधेयक को पढ़े एक राजनीति की दृष्टिगत लोगों को जो है लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस बेनकाब होगी, कम्युनिस्ट बेनकाब हो गए, क्योंकि ये राष्ट्रधारा की दिशा में एक महत्वपूर्ण विषय है, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण विषय है। ये नरेंद्र मोदी जी का सपना था, उसके पीछे कौन लोग हैं, उसके पीछे एक राजनीतिक षड्यंत्र है। त्रिलोक कपूर ने कहा कि जिस प्रकार राज्यसभा में कृषि सुधार बिल को लेकर धक्का मुक्की, माइक की तोड़फोड़ और रूल बुक के पन्ने फाड़कर फेंके गए और हल्ला बशोर गुल किया गया, वो पूरी तरह से गलत है। जब देश के कृषि मंत्री श्रीमान नरेंद्र तोमर जी पार्लियामेंट में अपना संबोधन दे रहे थे तो उनको आराम से सुनना चाहिए था ना। उन्होंने वो हल्ला करके उस भावना को दबाने का जो अलोकतांत्रिक प्रयास किया और जो कल राज्यसभा में उन्होंने किया, वो कोई रास्ता नहीं था।